हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और उसमें स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस कुछ भी आपको मिल सकता है, उसी से रिलेटेड बातें होंगी, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो उसके बारे में न्यूज़ भी है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको कुछ एक तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है नॉलेजेबल वीडियो है, नॉलेज के पर्पज़ से बनाई गई है। कोई इसमें बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे इस चैनल को, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाते रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा और एक पुण्य काम में आप मदद कर सकते हैं। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, अगर आपके पास डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करके अपना फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, कोई इसका चार्ज नहीं है। और एंजॉय करिए। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ कंपनी से रिलेटेड। तो कंपनी के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, एवरी पैरामीटर, मतलब हर एक पैरामीटर पे इस कंपनी ने जो आपको रिटर्न दिए ना, मल्टी बैगर रिटर्न दिए। अगर बात करें एक दिन की तो देखिए, 8% के प्रॉफिट, 6 महीने प्रॉफिट, 3 महीने प्रॉफिट, 6 महीने प्रॉफिट, 1 साल, 1 साल में 500, मतलब आपके पैसों को 5 टाइम्स, फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 5 लाख रुपए आपको सीधे मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, और अगर सीधे बात करूँ, एक एक व्यू देके, तो आपको बताना चाहता हूँ कि 9 टाइम्स कर दिया, बल्कि 1 लाख रुपए 9 लाख में तब्दील कर दिया। अभी कैसे किया है वो आपको बताऊँगा। अगर बात करें हम 4 साल की, अच्छे रिटर्न, 5 साल अच्छे रिटर्न, और 10 ईयर्स में इसने आपको, अगर अच्छे खासे आपने इन्वेस्ट किया होगा तो करोड़पति बनाया होगा। क्या बनाया होगा? करोड़पति। तो ऐसा शेयर है, एक जैम से रिलेटेड, ये जैम शेयर है और एक जैम से रिलेटेड इसका बिजनेस भी है। 13,000% के रिटर्न आप देख सकते हैं। इसके अगर कुछ पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन डे का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, लगभग 8% की यहाँ पर जंप देखी गई है। वन डे का चार्ट पैटर्न देखिए, एकदम पॉजिटिव। 5 डेज का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव। एक्चुअली ये न्यूज़ लगभग 1 से 2 हफ्ते पहले आ गई थी, बट कवर मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ जो होने वाला है वो आगे इसी सब नेक्स्ट वीक में आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, 1 ईयर देख लीजिए, 1 ईयर में क्या इसने आपको रिटर्न्स दिए है। तो और अगर हम 5 ईयर्स में देखते हैं तो भी आप देख लीजिए, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए। तो देखिए, ये है इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, और क्या इसने इस तरीके से जंप लगाई है। जो इसे कोविड का पीरियड है ना, तो इसने जो आपको कोविड के पीरियड में रिटर्न्स दिए हैं, 550% के रिटर्न्स, वो एक मल्टी बैगर रिटर्न्स कहलाते हैं। अब कैसे, जब मैं आपको बता रहा हूँ, 9 टाइम्स कर दिया आपके पैसे को। तो देखिए, 52 वीक लो देखिए, 24 मार्च को 551 रुपये का शेयर था। 52 वीक हाई की बात करें तो 4739 रुपीज़ का शेयर आज की डेट में चल रहा है, और यहाँ से आप 9 टाइम्स करेंगे, तो ये 9 टाइम्स के लगभग ही हो जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है। तो आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो आप समझ लीजिए कितना पैसा आपका हो जाता। यहाँ पर देखिए, 51% की डिलीवरीज उठाई गई है। अगर बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल्स, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ देखिए 58% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, और प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी क्वांटिटी में बढ़ा रहा है, बट बढ़ा रहा है। अगर बात करें यहाँ डिविडेंड, कंपनी देखिए डिविडेंड देती नज़र आ रही है। 2020 में 4 बार डिविडेंड, 2021 में 1 बार डिविडेंड अभी दे चुका है, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। और जो बात कर रहे थे हम स्टॉक स्प्लिट की, तो देखिए ये न्यूज़ है, 22 मार्च टू कंसीडर स्टॉक स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो स्प्लिट होने जा रहा है स्टॉक इनका, और किस में स्प्लिट होने जा रहा है, तो देखिए क्या स्प्लिट होता है वो तो वक्त बताएगा, 22 तारीख को हमें पता चल जाएगी स्प्लिट होगा भी या नहीं। बट फेस वैल्यू है 10 रुपये का। अगर 10 रुपये के हिसाब से अगर 1 रुपये का भी फेस वैल्यू करते हैं तो 10, आपको 1:10 के रेशो, मतलब 10:1, मतलब एक शेयर की जगह 10 शेयर मिल जाएंगे। अगर 5 में किया तो 5 शेयर मिल जाएंगे। 2 के फेस वैल्यू में किया तो उस हिसाब से आपको, उस तरीके से आपको शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो वो ही सब है, वो जब होगा 22 तारीख को तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये होने जा रहा है इस कंपनी के साथ। कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी है क्या। तो देखिए, कंपनी का नाम है वैभव,
वैभव ग्लोबल लिमिटेड, इसके हम फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, इसके अभी फंडामेंटल भी देखेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ओके, क्योंकि केवल न्यूज़ देख के एंट्री करना बेवकूफ़ी होगी, हमें ये देखना है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी कंपनी अच्छी है या नहीं है ओके, वरना हम एंट्री कर ले और हम फंस जाए। तो देखिए 2 वीक्स पहले की न्यूज़ है, ये कंसीडर टू सब डिवीज़न और स्प्लिट ओके, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर बात करें वैभव ग्लोबल लिमिटेड, तो देखिए यहाँ पर एक आपको लोगो दिख रहा है, लोगो में आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डायमंड। तो ये जो बिज़नेस करती है ना, ये बिज़नेस करती है ज्वेलरी का, ये कंपनी जो बिज़नेस करती है ज्वेलरी का बिज़नेस करती है। उनका जो बिज़नेस है यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, वर्टिकल इंटीग्रिटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर फॉर ऑफ फैशन ज्वेलरी ओके एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट इन द USA एंड यूनाइटेड किंगडम ओके ऑन इट्स TV शॉपिंग चैनल। तो यहाँ पर ये कंपनी आपको बिजनेस करती हुई नज़र आएगी USA यूनाइटेड किंगडम में। तो इस कंपनी में जो दम तो है, जो इस तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें, पहले कभी भी इसने स्प्लिट दिया नहीं है, बट हाँ 2002 में इसने एक बार बोनस भी कंपनी ने देता हुआ नज़र आया है। अब इसके अगर हम बात कर लें फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल्स सामने हमें नज़र आ रहे हैं। मार्केट कैप मिड कैप वाली कंपनी है, 14,190 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो आपको पता है मिड कैप में क्या इस तरीके की रैली होती है, मतलब ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होती है। तो शेयर जिस तरीके से भाग रहा है ना, अगर स्प्लिट की न्यूज़ नहीं आती उस तरीके से गिरेगा भी ओके, वॉलेटिलिटी भरमार। ROCE की बात करें 30 का ROCE है, ROE की बात करें 26 का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ROCE का मतलब हमेशा आपको बताते ही हूँ कि अगर 10 लाख रुपए लगा दिए और 30% के ROCE से कोई शेयर बढ़ रहा है, तो आपको 20 साल में 100 करोड़ रुपए होते हैं। इस चीज़ को याद रखिए। बुक वैल्यू 259 की है और बुक वैल्यू से बहुत आगे चल रहा है, इस चीज़ को भी देखना है। PE रेशो काफ़ी ज़्यादा है, 100+ है। डेट फ्री लगभग कंपनी है। अगर बात करें सेल्स की, तो देखिए सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, और दिसंबर की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन सेल्स है, 725 करोड़ रुपए की सेल्स होती हुई नज़र आ रही है। और प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी ने देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी क्वार्टर में Q3 में आपको दिखाया, 92 करोड़ रुपीज़ का। अगर बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो पिछले 12 महीने में 2372 करोड़ रुपए के सेल्स है। और प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट भी पिछले 12 महीने में सबसे ज़्यादा इसके होते हुए नज़र आया, 256 करोड़ रुपीज़ का। सो कंपनी इज़ डूइंग बिजनेस, कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, तो इसलिए ऐसी कंपनी को चूज़ करने का फ़ायदा रहता है। बट और भी कुछ फैक्ट्स देखेंगे, रिजर्व्स देखेंगे तो 811 करोड़ रुपए के रिजर्व्स। बोरोइंग की बात करें, तो 114 करोड़ रुपए की बोरोइंग है ओके। और इन्वेस्टमेंट की बात करें, 162 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है। अगर कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो लगभग 146 करोड़ रुपीज़ का कैश इक्विवेलेंट भी है। अगर हम यहाँ पर और भी चीज़ें फैक्ट देख लेते हैं, तो कैश फ्लो 214 करोड़ रुपए का। ROCE ही आपको बता ही दिया है, अच्छा खासा ROCE ही चल रहा है। अब देखते हैं होल्डिंग, तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूसली पहले घट रही थी, आप देख सकते हैं 2018 में लगभग 66% की होल्डिंग थी, और जो कंटिन्यूसली इन्होंने घटा घटा के मार्च में हमें 58.61 होती हुई नज़र आई 2019 दिसंबर में से। देखिए यहाँ पर फिर बढ़ती हुई नज़र आई है, और के पहले 61 करी, 0.5 करी, फिर 3.34 करी, फिर 0.4, मतलब 58 के आसपास ही इनकी होल्डिंग अभी हमें नज़र आ रही है। तो थोड़ी बहुत कभी बेच देते हैं, कभी खरीद लेते हैं। इनके कुछ प्रमोटर्स होंगे, अगर देखा जाए कितने प्रमोटर्स हैं, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रमोटर्स हैं, वही अपनी हिस्सेदारी इस तरीके से, कोई बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, तो वही सब चल रहा है। FIIs की बात करें, तो FIIs ने देखिए अच्छी खासी खरीदारी इसमें कर रखी है, और 11% की होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं। DIS की बात करें, DIS ने भी देखिए 20% की हिस्सेदारी अपनी रख रखी है। अगर DIS में हम बात करें कौन कौन है, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल फंड्स भी है ओके, नालंदा इंडिया फंड्स भी है, इसके बाद मलाबार फंड्स भी है। अगर पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक के पास होल्डिंग कितनी है, पब्लिक के पास होल्डिंग है यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 7% की होल्डिंग कह सकते हैं कि पब्लिक के पास है। बाकी की सारी होल्डिंग यहाँ पर अच्छे अच्छे हाथों में है। तो इस तरीके की कंपनी को जहाँ पर होल्डिंग अच्छे हाथों में हो ओके, पब्लिक के पास बिल्कुल थोड़ी हो, जहाँ पर बिजनेस अच्छा चल रहा हो, तो ऐसी कंपनी को हम जाने नहीं दे सकते अपने हाथों से। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर अभी RSI काफ़ी बेहतरीन, मतलब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है 85 का, तो कंपनी आपको डिप जरूर दिखाएगी ओके, और जब डिप दिखाए तो बाय ऑन डिप्स करने की मेरी हमेशा सलाह रहती है ओके, तो वही आपको मैं आपको सलाह दे दूँगा। और अभी
टॉप पर चल रही है कंपनी, न्यूज़ अच्छी है। ओके 22 तारीख को यहाँ पर पता चलेगा, तो अभी 16 तारीख आज है, तो आपको पता ही है तब तक शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट चलता रहे, और अभी एक दो दिन और ज़्यादा भागता हुआ नज़र आए शेयर। बट स्टिल ये ट्रेडिंग पर्पज़ से हो गया, बट इन्वेस्टिंग पर्पज़ से मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग पर्पज़ से बताना चाहूँगा कि ये शेयर अभी नीचे आएगा। ओके यहाँ पर देखिए, जब भी शेयर ऊपर गया है तो यहाँ नीचे आता हुआ नज़र आया है, तो यहाँ पर शेयर अगर गिरा है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आता हुआ आपको शायद मिल जाए, और जब मिल जाए तब आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, बट अपनी स्टडी करके। ओके ये नॉलेजेबल वीडियो आपको दे रहा हूँ, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के। ओके इसमें कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरी राय है वो मैंने यहाँ पर आपको रखी है। ओके खुद की स्टडी जरूर करिएगा, और बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करिएगा, बहुत हाई पे चल रहा है ये शेयर, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो अगर जिसको मिलेगा, और इसका जो फ़ायदा होता है ना बोनस या स्प्लिट का, तो इसका फ़ायदा उन्हें होता है जिन्होंने बहुत पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि अगर बात की जाए यहाँ पर जिस किसी ने यहाँ पर खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, उन्हें भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। जो यहाँ पर खरीदेंगे उन्हें बोनस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनका बस ट्रेडिंग के पर्पज़ से पैसा बढ़ सकता है। ओके अदरवाइज़ उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर बात की जाए, क्योंकि उसी डिवाइड में पैसा भी डिवाइड हो गया, 10 की डिवाइड में 1:10 में होगा, तो ये 469 रुपीज़ का ही शेयर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, तो उसी हिसाब से आपको देखना होगा। तो तुरंत बोनस और स्प्लिट देख के एंट्री नहीं करनी होती, सिंपली लॉन्ग टर्म देख के, फाइनेंशियल्स देख के, फाइनेंशियल अच्छे नज़र आ रहे हैं, बट इस पीरियड को भी देखिएगा, यहाँ पर देखा फिर गिरावट, यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन। ओके और ये कंसोलिडेशन फेज़ यहाँ पर देखिए 2015 से 2020 का, मतलब 5 साल का कंसोलिडेशन। उसके बाद अगर यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर गया जाके नीचे गिरा, ओके और फिर जिसने यहाँ पर लिया होगा तो उसे फिर दोबारा शायद सालों का वेट करना पड़े, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, एज वेल एज अब बेल आइकन को हिट भी करें, ताकि इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।